दोस्तों रिसेंटली Xiaomi Poco F2 के रेंडर्स ट्विटर पर पोस्ट किए गए, जहां हमें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की अच्छी खासी आइडिया आ जाती है। इसी के साथ Poco F2 से रिलेटेड कुछ रूमर्स भी सामने आए हैं, जिससे हमें Poco F2 के स्पेक्स के बारे में आइडिया आ सकती है। तो आइए बात करते हैं Poco F2 के डिजाइन, स्पेक्स और प्राइस के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि Poco F2 से रिलेटेड और फ्यूचर अपडेट्स में आपको दे पाऊं। तो इसी के साथ मैं हूं राज और आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेंजामिन गेस्किन, माफ कीजिएगा अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, तो इस टिप्स्टर ने रिसेंटली Poco F2 का कंसेप्ट रेंडर पोस्ट किया है, जो Poco F2 से रिलेटेड लीक्स और रूमर्स पर बेस्ड है। यहाँ हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है और जो सबसे बड़ा चेंज है वो हम काफी आसानी से यहाँ नोटिस कर सकते हैं, और वो चेंज है नॉच। जहाँ Poco F1 में हमें देखने को मिलती थी बड़ी सी ट्रेडिशनल नॉच, वही यहाँ Poco F2 में हो सकती है वाटर ड्रॉप नॉच। अब क्योंकि यहाँ एक छोटी नॉच है तो इसी वजह से आपको Poco F2 में Poco F1 के मुकाबले ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। पर दोस्तों क्योंकि यहाँ Poco F1 के जैसे बड़ी नॉच नहीं होगी, इसका मतलब है कि Poco F2 में Poco F1 की ही तरह इंफ्रारेड फेस रिकॉग्निशन फीचर नहीं होगा, जो हमारे नॉर्मल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है, और तो और डार्क एनवायरनमेंट में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। पर अब Poco F2 में ये इंफ्रारेड फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होगा, पर आपको यहाँ नॉर्मल फेशियल रिकॉग्निशन तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बॉटम चिन की, तो वो भी Poco F1 के मुकाबले काफ़ी कम की गई है, ऐसा पता चलता है। तो इससे भी आपको Poco F2 में हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैक पैनल की, तो यहाँ आप वर्टिकल ड्यूअल कैमरास देख सकते हैं, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस किए गए हैं, बिल्कुल Xiaomi Redmi Note 6 Pro की तरह। इसके अलावा इस कैमरा सेटअप के नीचे आपको मिलेगा LED फ्लैश। अब यहाँ आप पीछे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हैं और उसके नीचे आपको मिल जाएगी Poco की ब्रांडिंग। अब जिन यूजर्स को लग रहा था कि Poco F2 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, उन्हें इस रेंडर से पता चल ही गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि Poco F2 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कुछ रूमर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि Poco F2 में सैमसंग गैलेक्सी 8S की तरह पिनहोल कैमरा हो सकता है, पर मेरे हिसाब से पिनहोल कैमरा Poco F2 में आना काफ़ी मुश्किल है, और Poco F2 में हमें फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलेगी, ना कि पिनहोल कैमरा वाला डिस्प्ले। अब अगर बात करें Poco F1 की, तो Poco F1 में था 2018 का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845, और इसी वजह से Poco F2 में होगा 2019 का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855, जो हाल ही में क्वालकम की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। यहां आपको 6GB की रैम देखने को मिलेगी, साथ ही साथ 128GB तक इंटरनल स्टोरेज भी हो सकता है। यहां आपको Poco F1 की ही तरह बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी। Poco F2 कैमरास के मामले में भी Poco F1 से अच्छा होगा, क्योंकि Poco F2 में आपको इम्प्रूव कैमरास देखने को मिलेंगे। यहाँ एग्जैक्ट कैमरा रेजोल्यूशन के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड पाई 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स Xiaomi के MIUI के साथ। यहाँ आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। अब Poco F1 से रिलेटेड यूजर्स को एक बड़ी सी शिकायत थी, जो थी फ़ोन की डिज़ाइन। जहाँ एक तरफ Poco F1 में आपको फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स देखने को मिलते थे, वहीं दूसरी तरफ Poco F1 की जो डिज़ाइन थी वो काफ़ी बेसिक सी थी, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक बैक पैनल यूज़ किया गया था। तो इसीलिए शायद Poco F2 में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। शायद हमें Poco F2 में Zenfone Max Pro M2 या फिर Realme 2 Pro या Mi Play की तरह ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो Poco F2 के स्पेक्स के साथ फ़ोन की डिज़ाइन भी फ्लैगशिप लेवल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल फ़ोन के रिलीज डेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर फिर भी आप Poco F2 मार्च 2019 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो Poco F2 की प्राइस Poco F1 से 2000 रुपीज़ तक ज़्यादा हो सकती है, यानी कि Poco F2 की प्राइस लगभग 23,000 रुपीज़ के आसपास हो सकती है। दोस्तों ये सब अभी इनिशियल लीक्स, रूमर्स और रेंडर्स है, और इसीलिए फाइनल डिज़ाइन और स्मार्टफोन में इससे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या आप Poco F2 के लिए एक्साइटेड हैं? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीजन हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।